नजद के तमाम उलामा को पेश कर रहा हूं उनहाद हुआ अला मौके बड़ा जुर्म किया हरमैन को बंद करके ऐसे वो पढ़ रहे हैं जिनको बड़े नहीं कहा कि वो यहां फिट नहीं होती और ये हुक्म वहां नहीं चलता नजद के औला की भी जो इनके अकाबिर थे उनकी सोच वही थी इस मसले में जो हदीस के तबे है और अब वाले अमरीका के ज्यादा करीब हो गए हैं या कोई और वजह है ईमान सही बुखारी की शराब आठवीं जिल्द है मोहम्मद बिन साले इसने सवाल करके जवाब दिया अब ये जो तोफ चिड़िया घरी है ये कह रहा था कि मुझे के देखो तुम लोगों को कुएं में गिराना चाहते हो तुम आग में गिराना चाहते हो तुम कहते हो कि मैं उसको तवाफ कराऊंगा और ये तो हलाकत है वला बला तुलदाह ये आयतें पढ़ रहा था कुरान हकीम की इस आयत में मालिक अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो अपने आप को कत्ल ना करें मालिक एक और फरमान सुनिए वो बीता अपने हाथों को हलाकत में मत डालो यानी ऐसी चीज जो आपके लिए हलाकत खेज हो सकती है उससे अपने दामन को बचाओ जानबूझकर कुएं में छलांग ना लगाओ जानबूझकर जो चीज आपके लिए नुकसानदेह है उसमें अपने आप को धक्का ना दो अब इसका जवाब जो इस चिड़िया घरी के जो बड़े गुरु हैं उन बड़े गुरुओं का भी जो ऊपर जाके उस्ताद है यहां सवाल किया मसला यानी पूछने वाला यह कहता है इजा कुंतो फी मबना वश ताल फी ही फला आखरू जो मिन मबना मिन कि एक बंदा पूछता है कि मैं एक बिल्डिंग में हूँ और उसे खुदा न खास्ता आग लग गई है तो अब मैं अगर उस बिल्डिंग से निकल के भागता हूँ बाहर तो क्या ये भी तकदीर से फरार लाजम आएगा यानी जिस तरह तांग वाले शहर से भागना मौत की वजह से तकदीर से फिरार है तो क्या जिस बिल्डिंग को आग लगी हुई है उससे निकल के भागना यह भी तकदीर से फिरार यानी जुर्म बनेगा या ये भागना जायज है इन दोनों में क्या फर्क है कि ताउन से भागना जैसा जुर्म है आग लगी हुई बिल्डिंग से निकल के भागना भी वैसा जुर्म है या जायज है यानी यह तोसीफ चिड़ियाघरी जो है वो कहता है कि ए, ये कोरोना का मसला और आग बिल्डिंग को लग जाए ये दोनों एक तरह के हैं जिस तरह अब वहां बैठे रहना तोल नहीं बेवकूफी है वहां से निकलना चाहिए तो इस तरह उसने कहा हरमैन शरीफैन को बंद कर दिया गया है तो इसलिए हमने बंद किया है कि जिस तरह बिल्डिंग को आग लगी हुई होती है यकुं में गिरने का मौका होता है तो इसलिए हमने मुसलमानों को बचा लिया ये अपने फतवे की फजीलत बता रहा था अलजवाब ला कहता है ये दोनों एक जैसे नहीं है का ईजा वका लत का वहाजा शय बदी ही उन। वो तुझसे कोई नरमी मिरी बरतेगी उसने तुझे खा जाना है यानी जला देना है और यह एक बदी बात है तो अब तो तू निकल जा और यह तकदीर से फिरार नहीं है यह गलती नहीं है यह जुर्म नहीं है अब निकल जा लाकिन बका आकाफी बला दिताउन फकद तुसाबो ओलाबो कि ताउन वाले शहर में अगर तू रहता है तो हो सकता है तुझे ताउन लगे हो सकता है ना लगे यानी वहां पर यूं ताउन मौत का सबब नहीं जैसे कमरे को आग लगी हुई मौत का सबब है यहां से आग वाले से भागना फरार तकदीर से नहीं ताउन से भागना तकदीर से फरार है लिहाजा इसको तुम ताउन वाले मसले को आग वाले मसले पर कि बिल्डिंग को आग लग जाए उस पर क्यास ना करो कहता फहुना का फर्क फर्क है जो पिछड़ों को अब नजर नहीं आ रहा इन दोनों बातों में यानी मोहम्मद बिरसा कहता है कि करुणा में और वला तुल्कु बेदी को आयत का जो तकाजा इसमें फर्क है वला तुल्कु बेदी को और यह आयत वु अनफोसा कुम ये वहां ही जाएगी जहां बिल्डिंग को आग लगी है और नीचे अंदर कोई मलंग बैठा हुआ निकल ही नहीं रहा कहते हैं उठ बाहर निकल वो कहता है बस मरना है तो मरना नहीं मरना तो नहीं मरना अब वहां उसे कहा जाएगा कि अपने आप को कत्ल मत करो अपने आप को हलाकत में ना डालो और दूसरी जगह ताउन वाले मसले में शरीयत कहती है वहां सिर्फ रहना जायज ही नहीं फर्ज है वहीं रहना कि निकलोगे तो फिर तकदीर की खिलाफ लाजम आएगी वल बका बल देती दाखिला खुलासा उसका यह है जिस शहर में ताउन है वहां जरूरी नहीं कि सारे मर जाए हो सकता है एक भी ना मरे लेकिन जब आग लगेगी तो वहां मरना यकीनी हो जाएगा उसके मुकाबले में ताउन वाले मामले के मुकाबले में यहां ज्यादा एहतमालत हैं और यह फर्क है लिहाजा यहां शरीयत इजाजत देती है कि निकल जाओ बिल्डिंग को जब माज आग लगे और ताउन वाले मसले पर शरीयत कहती है गुनाह कबीरा होगा अगर निकले वही तुमने रहना है।